हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक नए तरह की डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। ये बेसिकली जेंट स्वेटर में बनाई जाती है। बनाने में आप बनाना चाहें तो किसी भी बना लीजिए, लेकिन जेंट स्वेटर में बहुत अच्छी लगती है। वूल के हिसाब से जो है, मैंने कैरिस का जो नंबर 8 पर सेट करके रखा हुआ है, इसमें हमें 2 नीडल का गैप करना है। 2 नीडल आगे, फिर 2 नीडल का गैप, 2 नीडल आगे, इस तरह से दो दो नीडल का गैप करते हुए 2 नीडल हमें आगे की साइड करनी है। कैरिस के जो हुक हैं, इनको हमने पीछे की साइड कर रखा है, दोनों हुक को। अब कैरिस को हम 2 बार चलाएंगे, एक दो। दो बार चलाने के अब ये वाली जो निडल मेरी आगे की साइड है, इनको हम पीछे की साइड कर देंगे। अब ये हमारी बीच वाली नीडल हैं, तो इनको हम आगे की साइड करेंगे, किनारे पे नहीं करेंगे वरना डिजाइन खराब हो जाएगी। साइड वाली मैंने छोड़ दी है। अब ये वाली नीडल आगे की साइड करेंगे और ये हमारी पीछे की साइड आएंगी। जैसे यहाँ सेट कर दे रहे हैं, फिर कैरिज को हम 2 बार चलाएंगे, हुक हमारे पीछे की साइड ही रहेंगे। चला लिया, बस सेम वही प्रोसेस आपको करना है। अब ये वाली पीछे और ये वाली आगे, इस तरह से 2 पीछे 2 आगे, इस तरह से हम करते चले जाएंगे और हमारी डिजाइन बनती चली जाएगी। अभी कंटिन्यू प्रोसेस आपको ऐसे ही करना है, तो दिखाते हैं किस तरह से ये आपकी डिजाइन बनकर आएगी। यही सेम प्रोसेस रिपीट करके डिजाइन बना ली है थोड़ी मैंने, और ऊपर की तरफ प्लेन चला लिया है। ये देखिए, इस तरह से ये आपकी डिजाइन बनकर आएगी। देखिए, इस साइड से ये इस तरह से डिजाइन आएगी, और बैक साइड से उल्टी तरफ से हमारी ये इस तरह से डिजाइन आएगी। अब आप इसको किस तरह से यूज़ करना चाहें, या अपने हिसाब से देख लीजिए कि आप इस तरफ से यूज़ करना चाह रहे हैं या इसको इस साइड से डिजाइन को यूज़ करना चाह रहे हैं। अगर इस ये डिजाइन आपको डालनी है, तो जब आप बॉर्डर बना लेंगे तो बॉर्डर को निकाल करके फिर इसको हम दोबारा से बॉर्डर को डालेंगे पलट करके, तब ये वाली डिजाइन जो है हमारी आगे की तरफ आएगी। ये देखिए, मैंने इसको मशीन से निकाल लिया है। सीधी साइड से हमारी इस तरह से डिजाइन आएगी, और जब हम इसको पलटेंगे उल्टी साइड से हमारी ये डिजाइन है।